यो व्हाट्सअप जनता, कैसे हो, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त और चौकस एकदम आपके भाई की तरह। सो भोजपुरी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर हैं खेसारी लाल यादव। एकमात्र मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई बैकबोन है भोजपुरी इंडस्ट्री की, क्योंकि आए दिन उनका गाना आता है, ये तो कोई बड़ी बात अब रही नहीं उनके फैंस के लिए। सो कल उनका एक गाना आया था जिस गाने का नाम था पढ़ो आओ पटना, और उस गाने पे इस टाइम पे टोटल 900,000 व्यूज़ हुए हैं, जो कि स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल चैनल पर आया था। सो जाके पहले उस गाने को प्यार दो। और आज हम यहाँ पे बात करने आए हैं पवन सिंह भाई के, आज 10 घंटे पहले मतलब सुबह रिलीज़ हुआ था जो गाना नारियल के बारे में। सो इस गाने का नाम है नारियल, और इस गाने में शिल्पी राज और खेसारी लाल भाई दोनों काम कर रहे हैं। और शिल्पी राज और खेसारी लाल जब भी एक बीट पे आते हैं, आपको पता है क्या होता है, बवाल होता है भाई। कुछ अच्छा ट्रैक आता है, जैसे कि कोका कोला गाना आया था, बहुत ही कमाल का गाना था भाई। और अगर बात की जाए टोटल 10 घंटे के अंदर इस गाने पे 1.2 लाख लाइक हो चुके हैं, और उसी के साथ साथ पूरे 10 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं ऑलरेडी। अप्रॉक्सीमेटली रियल टाइम व्यूज़ 10 मिलियन हो गए होंगे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिलियन 10 घंटे में, ठीक है, एवरेज है। और ये गाना इस टाइम पंजाब में 30 नंबर ट्रेंड कर रहा है। आपके बिहार, यूपी, नेपाल, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, आपको कमेंट करके बताना है कि वहाँ पे कितने नंबर पे ये गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और ये गाने का अगर ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए, खेसारी लाल भाई के ऐसे काफ़ी गाने मैंने सुन रखे हैं, मकई के बाल, चाहे बैंगन ले लो, और इस बार नारियल भाई। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे ये बंदा, जैसे कोका कोला है, उनको फेमस कर देता है भाई। फ्री में कोका कोला की इस बंदे ने इतनी ऐड कर दी, अगर कोई पॉपुलर सिंगर उसकी ऐड करने के पैसे लेता तो कम से कम करोड़ों में चार्ज करता, और इस बंदे ने फ्री में कोका कोला इतना प्रमोट कर दिया। और ये गाना काफ़ी कमाल का है, काफ़ी कमाल की म्यूज़िक वीडियो बनाई गई है। पर्सनली जैसे खेसारी लाल के गाने होते हैं वैसे फील आ रहा है। और जो लास्ट दो गाने आए थे उनका तो भाई मैं फ़ैन हो गया था, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट चीज़ ट्राई की गई थी, लेकिन ये गाना ठीक है, एवरेज था, मुझे सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये गाना अच्छा लग रहा होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको एक्चुअल में ये गाना सुन के कैसा लगा है, या कैसा फील हो रहा है आपका, जो भी इस गाने के रिगार्डिंग रिव्यू है। ये था मेरा रिव्यू, मिलते हैं। अगर आप चाहते हो मैं इस गाने पर रिएक्शन वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं रिएक्शन वीडियो भी लेके आऊँगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इधर इंस्टाग्राम आ रहा है। मिलते हैं।